नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए होने जा रही वोटिंग में बस दो दिन बाकी हैं और इस बीच मुंबई की एक ऐसी सीट जहां कभी अंडरवर्ल्ड का बड़ा बोलबाला था, ये ऐसा इलाका है जिसे डॉन का मोहल्ला कहा जाता था। इसी इलाके से हाजी मस्तान करीम लाला से लेकर दाऊद इब्राहिम ने लंबे समय तक क्राइम का साम्राज्य चलाया। ये इलाका है मुंबई का डोंगरी। ऐसे में क्या मूड है यहाँ के वोटर्स का, कौन बनेगा इस चुनाव में डोंगरी का राजा, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। डोंगरी वो जगह है जिसका एक बड़ा हिस्सा आज भी डॉन की जगह के नाम से जाना जाता है। यहीं से दाऊद इब्राहिम ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। वो इलाका 1960 से 1980 के दशक में बॉलीवुड का डॉन कहा जाने वाला था, वो भी डोंगरी का ही रहने वाला था और यहीं से वो मुंबई का बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बना। दक्षिणी मुंबई की वो जगह जो कभी करीम लाला के क्राइम की एक एक बात की गवाह थी, जिसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पारसी डॉन भी कहा जाता था, जिसके नाम सट्टा, जुआ, उगाही, हत्या और न जाने कितने अपराध दर्ज थे। वहां की जनता खुलकर बोलने से बच रही है, हालांकि उनकी बातों से लगता है कि वो अपना मन बना चुके हैं और उसमें अब किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं बची है। बता दें कि डोंगरी का ये इलाका मुंबादेवी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ मुकाबला शाइना एनसी और कांग्रेस के अमीन पटेल के बीच है। इस इलाके में जहाँ मुस्लिम बहुल्य आबादी है, पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस जीती थी, लेकिन क्या इस बार यहाँ महाराष्ट्र में चल रही सियासत का असर पड़ेगा? वोट जिहाद का नारा कितना असरदार होगा, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं खास बात तो ये है कि यहाँ के लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ये नारा सिर्फ राजनीति के लिए है, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। जनता ने कहा कि दल धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, ये गलत है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे, हमारा काम करे। तो वही महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी टक्कर के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि ओबीसी मुस्लिम इलाकों पर कितना असर डाल पाते हैं। क्या ओबीसी विपक्षी दलों को वोटों में सेंध लगाने देंगे? मुंबादेवी विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला शिवसेना की शाइना एनसी और कांग्रेस के अमीन पटेल के बीच माना जा रहा है। शाइना एनसी ने बीजेपी छोड़कर शिवसेना का दामन थामा है और वो अब पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमीन पटेल इस विधानसभा सीट पर 2009 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में मुंबादेवी के डोंगरी इलाके में वोटर्स की राय जानकर ये भी साफ है कि अब भी इस इलाके में अमीन पटेल का बड़ा दबदबा है और शाइना एनसी के लिए यहां जीत आसान नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।